आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने साइंटेनमेंट शो का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, पूर्व उपनिदेशक सीडीआरआई, हास्य कवि पंकज प्रसून, अशोक सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, श्रेयांश प्रांत संगठन मंत्री, अवध विज्ञान भारती की ओर से साइंटेनमेंट शो में शिरकत की। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन पवन सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान, वाइस चेयरपर्सन सुष्मिता सिंह चौहान, निदेशक उपनिदेशक उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने साइंस कार्टून के माध्यम से सभी को सरल भाषा में समझने की तकनीक को विश्व से परिचित कराया और कई विश्व स्तरीय अवार्ड भी प्राप्त किए। पंकज प्रसून ने अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से चुटीले अंदाज में नाभिकीय भौतिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश के असली आइकॉन सलमान खान नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम है। साथ ही बताया कि आम जनमानस में कविता के माध्यम से विज्ञान को प्रसारित किया जा सकता है। पंकज प्रसून का लक्ष्य है कि विज्ञान कविताएं प्राइमरी के पाठ्यक्रम में शामिल हों, जिसमें बच्चों के विकास के शुरुआती दौर में ही वो विज्ञान के सिद्धांतों को सीख जाएं। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर और प्रख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने साइंटून के माध्यम से हंसाते हुए विज्ञान के गूढ़ तथ्यों के बारे में बताया। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी, कोविड और पर्यावरण के कई तथ्यों पर साइंटून प्रस्तुत किए। इसी क्रम में अशोक सिंह ने कहा कि विज्ञान राजनीति से उलट सत्य को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करती है और जीवन को सुगम और सुलभ बनाने का कार्य करती है। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन पवन सिंह ने कहा कि माध्यम वही सही होता है जिसमें विषय की गंभीरता को सरल और सहज भाव से समझाया जा सके। सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।